गुरु ने ए सारे ज्ञान सिखा खोल सभा में दाया हो गुरु ने ऐसा प्यार सिखाया मने खोल सभा चोरा की और उस साधु का नाम बता जाने करी सवारी मोरा की। आइए उत्तर क्या लिखे दादा ने कैसे बेटे भाई बह माता की मात गायत्री अनसुईया सास भोरा की शिव शंकर का गुरु अमीरा बात करो की भोरा की शिव शंकर का गुरु अमीरा बात करो मेरे भोरा की वो अष्टभुजा ब्रह्मा की पुत्री अष्टभुजा ब्रह्मा की पुत्री करी सहायता चोरा की बालकनाथ ईसा साधु जन करी सवारी मोरा की बालकनाथ ईसा साधु जन करी सवारी मोरा की रे न्यू ही मन कायो बाला मैं बिताया मने बोले सभा वो लड़का कितने आया कर राक्षस का भेष देवता कोण से युग जीवन आया अन्न धन के भंडार भरे वो झिका नहीं भूखा ठाया जग परले में कसर रही ना पीवन देना जल पाया कि कौन था जो बाप के ब्याह में बिचौला बना और वो कौन सा देवता था और कौन से युग में था जो राक्षस बन के आया था और जिसने किसकी हार करी थी सुनिए उत्तर क्या लिखे दादा ने अरे बाप के ब्याह में भीषम बिचौला बाप के ब्याह में भीषम बिचौला देवलोक ते चल आया कर राक्षस का भेष गणेश सतयुग में जी बने आया कर राक्षस का भेष गणेश सतयुग में जी बने आया अरे अन्न देव की हार हुई वो झिका नहीं भूखा ठाया जग परले में जीव रहे ना चौगर दे में बरसाया जग परले में जीव रहे ना चौगर दे में बरसाया वो यूही रे यूही तो बड़े का वो पेड़
कि उस लड़के का नाम बता दो जो ना माता के पेट पड़ा। किसने उसकी घड़ी गड़ाई, कि किसने तो उसकी गड़ाई करी थी, कौन था वो लड़का जिसने जन्म होते ही लड़ाई करी थी, और किसकी सेना उसने हराई थी, कौन था वो लड़का, क्या लिखा। भाई उस लड़के का नाम गणेश, उस लड़के का नाम गणेश, क्योंकि गणेश की गढ़ाई किसी ने नहीं करी, गणेश की गढ़ाई खुद गौरा माता ने करी। भाई उस लड़के का नाम गणेश, जो ना माता के पेट पड़ा, गौरा मां ने करी गढ़ाई, वह माता ने नहीं गढ़ा, गौरा मां ने करी गढ़ाई, वह माता ने नहीं गढ़ा। अरे जन्म होते ही करी लड़ाई, ना कोई सन्मुख हुआ खड़ा, शिव की सेना हरा गई, फिर देवलोक में छिपर छिड़ा, शिव की सेना हरा गई, फिर देवलोक में छिपर छिड़ा। ओ रेंजू ही आगे पाके मेरे लाया, बोले सभा छोला पाया, हुई जवान पड़ी जरूरत, पति मोहते ना ब्याह करवाया, उस लड़की ने किस तरिया से एक पल में पुत्र जाया, पति की सेवा करण लागी पुत्र का सर तरवाया। कथा तो लंबी है लेकिन थोड़ी शॉर्ट में बताऊंगा। सजनों एक बन के अंदर पांच ऋषि तपस्या कर रहे थे, खाने के लिए उन्होंने खीर बनाई, जब खीर बनाई तो उसमें छपकली गिर गई, नहाने के लिए गए वो, एक मेंढकी सब नजारा देख रही थी, वो मेंढकी जब वो ऋषि आए उनके सामने उस खीर में कूद गई, मेंढकी मर गई, उन्होंने खीर रिता दी, लेकिन देखा कि मेंढकी ने हमारी जान बचाई है, तो उस मेंढकी को एक कन्या का रूप दे दिया, और वो कन्या कौन थी, वो कन्या बड़ी मंदोदरी, वो मेंढकी थी मंदोदरी बनी। एक बार जोरदार ताली, शब्दों के लिए जोरदार ताली। सजनो एक दिन किसी ऋषि को स्वप्न दोष हुआ, वो कपड़े धोती थी ऋषियों के, तो उसके गर्भ ठहर जाता है, बताया कि उधर से ही रावण आ रहा था, रावण को एक वो था कि वो अगर दहाड़ मार देगा तो स्त्रियों के गर्भ गिर जाया करते थे। रावण आया किष्किंधा पर्वत पर, रावण ने दहाड़ मारी और मंदोदरी को ठाकर के चल दिया, जब दहाड़ मारी तो गर्भ गिर गया, गर्भ से लड़का पैदा होगा, लड़के का नाम था अंगद, बिल्कुल सही बात है, वो लड़का था अंगद। अंगद किस कैसे हुआ, मंदोदरी कैसे, वो रानी थी मंदोदरी और मां रणक्षेत्र में नाटी थी लड़ने के लिए, क्या उत्तर लिखे कैसे। प्राण त्यागे उसका कारज सिद्ध हो गया, मंदोदरी रूप में जन्म लिया, फसमद में रावण भंगे हो गया, मंदोदरी रूप में जन्म लिया, फसमद में रावण भंगे हो गया, वन जपरन खाई रहा
एक पल में अंगद हो गया। वारण क्षेत्र में नाटी थी कटा शीश पुत्र का वधे हो गया। वारण क्षेत्र में नाटी थी कटा शीश पुत्र का वधे हो गया। ये रहे जग दीश गुरु